नाम संगीता घोष, पर्दे का नाम साचनी यानी पिसाचनी, जहां पर पी साइलेंट है। कभी देश में निकला हो चांद की पम्मी तो कभी नच बलिए सीजन 1 की होस्ट। पिछले 13 सालों में संगीता ने कई सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है, लेकिन अभी भी इनकी एनर्जी देखने लायक है। फिर चाहे वो उनके सेट पर दिव्या और दृष्टि के साथ डांस करना हो या फिर उनके शो दिव्य दृष्टि में बन जाना पिसाचनी, संगीता की एनर्जी हमेशा सुपर रहती है। लेकिन घर में हम बड़ी ही संस्कारी बीवी जो अपने घर में सुबह सुबह मोमबत्ती जलाती है, अपना नाश्ता अपनी चाय खुद बनाती है, अपने घर को हैंडीक्राफ्ट से संवारती है और साथ साथ अपनी हॉबीज जैसे ढोल बजाना भी पूरी करती है। भाई ये है आज के जमाने की नारी जो शादीशुदा है, सक्सेसफुल है, सीरियल्स में काम करती है और हमेशा खुश रहती है। तो संगीता घोष को और करीब से जानने के लिए आज हम संगीता के साथ पूरा दिन बिताएंगे, देखेंगे उनके घर के हर कोने को, जाएंगे उनकी रसोई में, फिर करेंगे उनके साथ घर से सेट तक का सफर। सेट पर देखेंगे कैसे होता है उनका शानदार मेकअप छाछनी बनने के लिए, देखेंगे कि कैसे सेट पर कैसे वो सबके साथ करती है डांस, कौन है उनके दोस्त यार। भाई इन सब के लिए हमें करना होगा ओरिजिनल वाला डे आउट, जिसकी शुरुआत हमने की सुबह सुबह संगीता घोष के घर पर जाकर, बजा के उनके दरवाजे की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। फिलहाल मैं सास बहु बेटिया में नजर आ रही हूँ आप सबको। आइए प्लीज घर आइए, जल्दी जल्दी शूटिंग में भी पहुँचना है, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन जो भी थोड़ा सा वक्त है उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मुझे तो आप जानते ही हैं, संगीता घोष, और फिलहाल शाचनी पी साइलेंट दिव्य दृष्टि पर। और हाँ, ये मेरा छोटा सा घर है और अभी अभी आपने लिविंग रूम में एंटर किया है। संगीता मुंबई में पली बड़ी है और आजकल अपने पति के साथ मुंबई में ही रहती है। और जरा इनका घर देखिए कितना करीने से सजा हुआ है, लेकिन वो क्या चीज है जो संगीता सुबह उठते ही सबसे पहले करती है? अब दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, अब शूटिंग पे भी जाना है। आई लाइक गोइंग टू द शूट, आई एम नॉट कम्प्लेनिंग, लेकिन कभी कभी जब बहुत सुबह उठना पड़ता है ना तो थोड़ी चिड़ होती है उठते वक्त, बट देन फिर बाद में सब ठीक हो जाता है। भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं दिन। और आज तो खैर थैंकफुली आपके आने से पहले मैं नहा धो के रेडी हूँ। सुबह उठो, थोड़ा मंत्र जाप करो, थोड़ा मैं गर्म पानी पीती हूँ रोज सुबह उठ के, गर्म पानी, और वो जो भी मेरा प्रोसेस है वो मैंने कर लिया है। अब मुझे कॉफ़ी बनाना है, मैं कॉफ़ी के लिए क्रेव कर रही हूँ, आई एम क्रेविंग फॉर कॉफ़ी, प्लीज़ चलो चलो कॉफ़ी पीते हैं। चूँकि संगीता अभिनेत्री होने के साथ साथ अब एक बीवी भी है, इसलिए रसोई घर है उनका फर्स्ट लव। सीधा चलते हैं रसोई में जहाँ वो अपने लिए बनाएंगी कॉफी। मेरा जो मूड होता है वैसे मैं कॉफी बनाती हूँ, कभी फ्रेश के बनाना है, फ्रेश के बनाओ, सिंपल बनाना है, सिंपल बनाओ, स्ट्रॉन्ग कॉफी पीती हूँ मैं। और शुगर मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन दिस इज द ओनली टाइम इन द मॉर्निंग जब मैं कॉफी पीती हूँ। अपने फेवरेट कप में कॉफी डाली, दूध डाला और चीनी डाली और संगीता की कॉफी रेडी है जो उन्हें सुबह सुबह केक देती है। कॉफी पीती हूँ, कॉफी का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता था पहले, अब तो मुझे अच्छा लगने लगा है, लेकिन कॉफी में दिन में सिर्फ एक ही बार पीती हूँ सुबह। आई थिंक इट गिव्स, क्योंकि कैफीन होने की वजह से एक किक स्टार्ट देता है आपको और एक थोड़ा सा आपको धक्का मारता है, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बोले तो थोड़ा एक धक्का सुबह का जो चाहिए होता है वो धक्का इस कॉफी से मिलता है। तो मुंबई या कॉफी। संगीता सुबह सुबह सबसे पहले अपनी कॉफी का मग उठाती है, हाथों में बादाम लेती है और आ जाती है अपनी बालकनी में सुबह का मजा उठाने। भाई क्या व्यू है उस पर, कॉफी और बादाम, इससे बेहतर शुरुआत हो सकती है सुबह की? आज भी देखना है, थोड़ा नेचर को एब्जॉर्ब करो। बॉम्बे सिटी में तो सिर्फ बिल्डिंग ही नजर आती है, कॉन्क्रीट जंगल है, इस बीच में कहीं आपको ये थोड़ी बहुत ग्रीनरी जब देखने मिलती है, हालांकि कंक्रीट के बीच में से ही ग्रीनरी देखने मिलती है, लेकिन फिर भी आई लाइक ये स्विमिंग पूल का वो ब्लू ब्लू है और पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए हैं हमारे सोसाइटी में, तो आई लाइक टू स्टैंड हियर एंड सी इट, थोड़ी आँखों को ठंडक मिलती है।
क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। सुबह सुबह संगीता एक और अपना शौक पूरा करती है। भाई उनके घर में ढेर सारी मोमबत्तियां हैं और सुबह सुबह वो जलाती है मोमबत्ती और वातावरण को बना देती है शुद्ध और खुशबूदार। ये ऐसे लगे जैसे कोई कटिंग चाय आई है। ये जब मैंने देखा तो मतलब ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये तो मुझे लेना ही लेना है। ये लोग मुझे पूछते अरे चाय यहाँ क्यों, एक दो लोगों ने पूछा भी है मुझे अरे चाय यहाँ पर रखी हुई है, फिर बाद में उनको पता चलता अरे ये तो चाय नहीं ये तो कैंडल्स है। अपने घर में मोमबत्तियां जलाकर संगीता पाती है सुकून और अपने फेवरेट सोफे पर बैठकर रिलैक्स करती हैं। देख के नहीं लगता एकदम मस्त अंदर धस गई हूँ मैं एकदम ऐसे, मुझे कहीं और मतलब तो यहीं ऐसे सो सकती हूँ, यहीं पर बैठ के बात करूँ, यहीं पर बैठ के सब कुछ करूँ। ये मेरा फेवरेट कॉलर है, रेड कॉलर, जैसा कि मैंने पहले बताया आप सबको। आय हाय मुझे इतना रिलैक्सिंग लगता है ना यहाँ पर, हालांकि मेरा बेडरूम इससे भी ज़्यादा रिलैक्सिंग है। वैसे रिलैक्सेशन की बात चली है तो संगीता के बेडरूम में झांका जाए और वहां देखते हैं क्या कुछ खास है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें संगीता ने सजाई हैं। तो अभी हम मेरे थोड़े से प्राइवेट स्पेस में जा रहे हैं, तो कीप सेफ डिस्टेंस ओके। ये मेरा कमरा, मेरा बेडरूम है जहाँ पर मैं दिन भर शूटिंग करने के बाद, शूटिंग ही नहीं, मुझे यहाँ रिलैक्स करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा बहुत ही प्राइवेट स्पेस। यहाँ पर मैं टेलीविजन देखना, फिल्में देखना, और मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर। एक्चुअली ये कुछ किताबें हैं, ये मेरा बेड है जहाँ मैं आराम फरमाती हूँ। ये एक है जो ये सबसे पहली चीज थी जो मैंने खरीदी थी, और ये मैंने गोवा से लिया था। मैं गोवा गई थी एक शूट के लिए, और वहाँ पर बीच पर एक आदमी से बेच रहा था, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। दिस इज फॉर अ पार्टी टाइम के लिए, जब ज्यादा खुमारी हो जाती है तब लोग इसे पकड़ के इसके साथ ही झूमने लगते हैं। ये मेरा एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, और आप देख सकते हैं थोड़ा इनफॉर्मली बेडरूम होता है, फॉर्मल तो नहीं होता बेडरूम। थ्रो पिलो को उठा के मुझे फेंकता है तो मैं फेंक भी दूँ, ऐसे टाइप का कुछ चाहिए था। तो ये मैंने देखा तो ये उनके पास थे नहीं एक्चुअली, सिर्फ डिस्प्ले के लिए था। मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, तो फिर ऑर्डर दे के बनवाया ये। सो ये आई थिंक दिल्ली से बन के आया है। संगीता घोष के बेडरूम में हमारी नजर पड़ी उनकी अलमारी पर, जिसमें ढेर सारी चीजें नजर आ रही हैं, फिर चाहे उनके जूते हो, कपड़े हो, या फिर हो सॉफ्ट टॉयज। तो शॉर्ट्स, टी-शर्ट्स वगैरह हैं, और इस तरफ मैंने ड्रेसेस वगैरह काफी, मतलब ये इंडियन दिख रहा है पीछे, सारे वो ड्रेसेस वगैरह बहुत सारे है। और ये मेरा कॉर्नर है एक छोटा सा, जहाँ पर मैंने परफ्यूम्स और वो सब एक एक सॉफ्ट टॉय के साथ रखा। ये पम्पकिन मुझे बहुत पसंद है, ये पम्पकिन बहुत क्यूट है, और ये भी छोटू बहुत क्यूट है, सनफ्लावर बॉय। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने क्यूट क्यूट गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट हैं। थोड़ा मैसी है फिलहाल, पर क्या करें, मैं जयपुर में भी रहती हूँ, तो मुंबई और जयपुर में, तो आधी चीज़ें तो जयपुर में हैं और आधी यहाँ है। तो शूज़ वगैरह हैं लेकिन अलग साइड में है, दूसरी तरफ है। वहाँ पर जूते रखने की जगह ही नहीं थी, एक के ऊपर एक 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 बॉक्सेस रखे जा रही थी, तो फाइनली और ये जगह भी अब मुझे कम पड़ती है। बैड, वेरी बैड, मेरा खजाना बंद करते हैं। काउबॉय भी है, थोड़ा झल्ला भी है, सो आई लव दिस। बट ये मतलब कहाँ से दिमाग में, कहाँ से ये लेना? ये जैसे ही देखा वो एक ऐसे,
आपको पुकारती है, आपको चीज़ें पुकारती है, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और थोड़ा यूनिक है, हालांकि मैं बता दूँ ये जितने भी पॉइंटेड हील्स वाले सैंडल्स होते हैं पहनने में बहुत तकलीफ देते हैं। है ये भी मुझे पसंद है, ये इसमें ऐसे से जो गर्ल्स की जो ज्वेलरी होती है यहाँ पे आपने मेरे पैरों पे लगा के रखा है, लेकिन ये मुंबई का ही है, जयपुर का नहीं है। ये मुझे बहुत पसंद है ये जूते में। वैसे संगीता के घर में और कमरे भी हैं, जिसमें खास है उनका लिविंग रूम, जहां पर कोई टीवी नहीं है, बस एक सिंपल तरीके से अपने ड्राइंग रूम को उन्होंने सजाया है। मेरे लिविंग रूम में ना टेलीविजन है और ना ही फैन है। मुझे ना छत में होल करना अच्छा नहीं लगता, तो वो पता नहीं कुछ है अजीब सा। और टेलीविजन मैं नहीं रखना चाह रही थी, क्योंकि ये लिविंग एरिया में आजकल का जो ज़माना है वैसे ही लोग बहुत कम इकट्ठा होते हैं, लोग ज़्यादातर अपने फ़ोन्स में और इसमें उसमें बिज़ी रहते हैं। तो अगर टेलीविज़न भी रख दें आप, तो फिर लोग टेलीविज़न देखने में बिज़ी रहेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, हंसी मजाक नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा। एक थोड़ा हल्का हल्का बेज कॉर्नर है जिसको मैंने ब्लू से रंगीन किया हुआ है, और उस तरफ रेड कॉर्नर है। रेड मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है, और हालांकि यहाँ पर पहले कुछ और था जब घर बनाया था तो, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं बोल रही नहीं मुझे रेड चाहिए, नहीं मुझे रेड चाहिए, और सब मुझे बोल रहे थे पागल हो गई, ये रेड कैसे लगेगा घर में, रेड एक रेड सोफ़ा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। ये मेरा रेड कॉर्नर है, आप देख रहे हैं, आई लाइक फ्लावर्स। और ये उर्ली है, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो मैंने सबसे पहले ख़रीदा था, उर्ली। तो इस उर्ली में हम फूल वूल बहुत सजाते हैं, तो इट्स लाइक दिवाली दशहरा फॉर अस एवरी डे। मुझे एंटीक चीज़ें पसंद है, ये जो समय है ये भी थोड़ा डिफरेंट है, पीकॉक वाला है। क्या है, मुझे चीज़ें थोड़ा डिफरेंट करना अच्छा लगता है, और हो भी जाती हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो वहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है गांधी जी के तीन बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, पर मेरे पास तो तीन मेंढक है, शाचिनी के तीन मेंढक। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये सारी बुराई तो मैं करूँगी ना। शाचिनी, तो वो मेरे तीन मेंढक है, एक एक चीज़ें कहीं कहीं से इकट्ठी की है। मुझे वैसे कैंडल्स का भी बहुत शौक़ है, और मेरे घर में बहुत सारे कैंडल्स मिलेंगे आपको, टी लाइट्स, कैंडल्स हर कमरे में मिलेगा आपको। तो ये एक है जहाँ पर ये अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने गुड लक के लिए दिया है, कुछ गिफ्ट्स हैं, तो ये सब मैंने इकट्ठा करके रखा है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा थोड़ा रेड का स्प्लैश मिलेगा, इस पर भी थोड़ा रेड है, रेड कैंडल है, रेड ग्लासेस है, लाफिंग बुद्धा जी हैं रेड में खड़े हैं वहाँ पर। और इट्स वेरी सिंपल, व्हाट आई लाइक अबाउट इट इज वेरी सिंपल एंड नाइस। ये मेरा डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल है। ये जब मैंने बनाया था मैंने कहा था मुझे एक सिंपल सा चाहिए, मुझे और ऐसा चाहिए जहाँ पर आप रिलैक्स होके बैठो, ऐसा नहीं कि आप स्टिफ होके बैठो और एकदम मतलब फॉर्मली बैठो। आई वॉन्टेड समथिंग वेरी इनफॉर्मल, तो लो सीटिंग सोच रही थी, लो सीटिंग करें, फिर मैंने सोचा नहीं, लो सीटिंग काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है नीचे बैठने में, तो हमने अपर सीटिंग किया, लेकिन ये सोफ़ा और बेंच वाला सेक्शन किया। और यहाँ पर हमने कोई मतलब वो बैकरेस्ट वगैरह नहीं दिया, पिलोज थ्रो करके रखे हैं कि पिलोज रखे हैं, तो आराम से बैठो, रिलैक्स होके खाना खाओ। और जिनको फॉर्मली बैठने उनके लिए तीन कुर्सियाँ डाल दी है मैंने, चलो भाई सबको खुश रखो। ये इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं जब एक्चुअली ये घर जब बना था तो मतलब जब बन रहा था तब एक एक चीज़ मैंने हमारे जो इंटीरियर कर रहे थे उनके साथ मैंने खुद जाकर एक एक चीज़ कलेक्ट किया है। हम दोनों साथ गए हैं, हम दोनों ने काफ़ी सोचा है इस घर को कैसे बनाना, क्योंकि मैं इसे बहुत सिंपल रखना चाहती थी, बहुत फैंसी नहीं करना चाहती थी और बहुत कंफर्टेबल भी चाहती थी। तो बड़ा ही मैंने बोला था मुझे एकदम स्पा फील वाला घर चाहिए, तो मेरा घर थोड़ा वैसे ही बनाया, थोड़ा स्पा टाइप का। और ये मिरर तब मैंने देखा था कहीं पर और इमीडिएटली मुझे बहुत अच्छा लगा था, जहाँ मैंने मिरर देखा था वहाँ ये कुशन्स भी ये इस कलर के देखे थे मैंने, तो मैंने कहा कि मुझे ये मैचिंग बहुत अच्छा लग रहा है, सो देन आई पिक दिस अप। भैया वक्त हो गया है नाश्ते का, तो एक बार फिर से चलते हैं संगीता की रसोई में, जहाँ वो बनाएंगे अपने हाथों से ओनियन उत्तपा।
ओनियन उत्पाद रेडी है और इसके बाद संगीता अख्तर दी है अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो गया, घर घूम लिया, अब वक्त है सेट पर जाने का। गॉगल्स वॉगल्स लड़ाए, घर को किया बाय बाय और संगीता निकल पड़ी अपने सीरियल दिव्य दृष्टि के सेट पर। चलो अब घर में तो आपने कुछ देख लिया, मैं रेडी हो गई हूँ, पटाखे छुट्टी करना है। अब चलते हैं शूट पे, अब वहाँ देखते हैं क्या हंगामा करती है शाचिनी। चलो चलो। तो हम बैठ लिए संगीता के साथ उनकी गाड़ी में और निकल पड़े उनके सेट की ओर। संगीता रहती है मुंबई के अंधेरी इलाके में और उनका सेट है गोरेगांव में। जाने में लगता है पूरा एक घंटा और इस घंटे में वो लेती है ढेर सारी फोन कॉल्स, अपनी सासू माँ से बात करती है, अपने पति देव से बात करती है और हंसते खिलखिलाते इस सफर को तय करती है। हम लोग फ्रेंड्स की तरह है तो हम रोज इन टच रहते हैं और रोज बातचीत होती है। मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता होता, लेकिन मुझे पता होता है कि क्या हो रहा है राजस्थान में और माँ की तबीयत कैसी है, क्या है क्या नहीं। अभी छोटा सा फोन कॉल कर लो मेरी माँ को। संगीता ने अपने करियर की शुरुआत 1986 में हम हिंदुस्तानी से की थी, लेकिन पहचान मिली थी 2001 में आए ZTV के सीरियल देश में निकला होगा चांद से, जहां वो बनी थी पम्मी। इसके बाद विरासत, परवरिश, जमीन से जमीन तक, नच बलिए के बाद वो आखिरी बार दिखी थी रिश्तों के चक्रियों में, लेकिन अब वो लौट आए हैं दिव्य दृष्टि में बनकर साचिनी। इसके बाद उन्होंने जयपुर के पोलो प्लेयर शैलेंद्र सिंह राठौर से शादी की और आजकल अपना घर और करियर दोनों बैलेंस कर रही हैं। वैसे उनके पति जयपुर में है और मुंबई में, और अपने पति को बहुत मिस कर रही हैं और अपने पति देव के लिए उन्होंने एक गाना भी गाया। God, I love this song. इन सांसों में बस जा तू चांद रे चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। बातें करते करते हम पहुंच गए मुंबई के फिल्म सिटी, जो है सीरियल दिव्य दृष्टि का सेट। तो हम पहुंच चुके दिव्य दृष्टि के सेट पर और मेरा पार्टनर इन क्राइम मुझे नजर आ रहा है सामने है। चिकू बेबी, हियर आई कम। आप मीडिया साथ में लेके घूम रहे हो? हाँ, इसलिए तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, ये पर्सनली मेरे साथ रहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि नहीं संगीता जी इंस्टाग्राम पे हैं? हम सब चाहते हैं यार। नहीं, just very lazy। मैंने तो उनको बोला आपका ईमेल आईडी तो मैं आज बनाता हूँ आपको। Oh please। दे दो यार। Just give you a fake email ID। साजिश नहीं तो कुछ भी। अच्छा अच्छा पार्टी। हम तो मैजिशियन हैं। ओह पार्टी के लिए रेडी हैं आप? अब वक्त है चलने का संगीता घोष के मेकअप रूम में, जहां उनका होगा मेकओवर। भाई आजकल चांचनी बन गई है प्रीतो, इसलिए उनका लुक काफी चेंज हो गया है, लाउड मेकअप की जगह सिंपल मेकअप हो गया है। तो कैसा लुक रह रही है प्रीतो, क्योंकि आज सीरियल में एक पार्टी होने जा रही है। स्मोकी आईज करने वाली है और न्यूड लिप्स रखने वाली है, तो आज ऐसा लुक होने वाला है। हालांकि पंजाबी लुक है लेकिन मेकअप के मामले में थोड़ी फैशनेबल है। संगीता का मेकअप में सबसे पहले चेहरे की रंगत बदली जाती है, आंखों की डार्क सर्कल को छुपाया जाता है, उसके बाद आईज को स्मोकी बनाया जाता है। चेहरे और आईज के मेकअप के बाद बारी है होठों के मेकअप की और उसके बाद हेयर स्टाइलिंग से आता है असली लुक। भाई आज वो बालों में चोटी बना रही है और उसके बाद बारी है तरह तरह के एक्सेसरीज पहनने की।
थोड़ा फैसिनेशन है फूलों का, और वो अलग अलग कलर्स के फूल लगाती है, अपने कॉन्ट्रास्ट में फूल लगाती है अपने ड्रेस के कलर के हिसाब से। तो फिलहाल उसने ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन उसे अच्छा लग रहा था, ब्लैक एंड रेड लगा रही है वो। गिरगिट बोलती हूँ, गिरगिट गिरगिट की तरह सिर्फ रंग ही नहीं, वो अपने रूप को ही बदलती है। गिरगिट है साथ। सीधा चलते हैं दिव्य दृष्टि के सेट पर, जहां पर साचनी यानी प्रीतो की पार्टी के लिए सब तैयार है, इसलिए सबने बैग पहना हुआ है। अब जब प्रीतो यानी साचनी ने इशारा किया तो दिव्या और दृष्टि दोनों देखिए कैसे उनके साथ झूमने लगी। इनी का करता किया धरा है सब, ये इनी का थीम है, इनी का साचनी इज ऑलवेज ब्लैक। तो वो मैंने सोचा है कि आज ब्लैक डे है, एक तो वैसे ही मान्या मर गई है बेचारी, उसका तो मरने का शौक कोई मना नहीं रहा है, हम पार्टी मना रहे हैं ऐसे ब्लैक कपड़ों में। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक पाची रखी है साचनी ने प्रीतो बन के, और उसने डिसाइड किया है कि सब ब्लैक पहनेंगे, सुव एंड सेक्सी एंड एलिगेंट, लुक एट देम। कभी काले कपड़े पहन के आओ, लेदर कपड़े पहन के आओ, ऐसे ऐसे हुक्म मारती है। सो इसको तो मैंने हंटर वाली बना दिया है, मुझे ना बस एक हंटर दे ही दो। ये हंटर वाली बन गई है। तो भी साच नहीं, आई नो लाइक भी साच। इनके बारे में सबसे बेस्ट ये है कि ये बहुत बड़े दिल वाली हैं, हमेशा खुद का खाना, मतलब इनका सौफ जो है हम ख़त्म कर चुके हैं, खाते ही रहते हैं, नॉट जस्ट सौफ बट एवरीथिंग एल्स। रात की नींदें हराम कर दी इन्होंने, बुरे बुरे सपने आते हैं, कोई लाश घसीट रही है, किसी को टेरिस पे छुरा मार रही है, यही सब। इन खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के साथ मुझे भी एक उनके बीच खड़े करके मतलब स्पेशल इज्जत देने के लिए, सो थैंक यू सो मच। इसी इक्वालिटी की बात कर रही थी। थैंक यू। इसके बाद पार्टी सीन की शूटिंग हुई और साथ साथ वक्त हो गया सास बहू और बेटिया के जाने का। हाँ, घर से शुरुआत की, फिर रास्ते में हम सब साथ साथ रहे, फिर यहाँ सेट पर आए, आपने मुझे रेडी होते हुए देखा, आप काम करते हुए भी देख रहे हैं और भी देखेंगे, मेरे को एक्टर्स के साथ हमारा क्या वेवलेंथ है, कैसी बॉन्डिंग है, ये सब देखा मुझे। ये मेरा रोज़मर्रा का दिन है, आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, आप लोगों को अच्छा लगे, और क्या, और मुझे प्यार देते रहें, प्यार करते रहें, लव यू ऑल। तो उम्मीद है टेलीविजन की दुनिया की एक बेहतरीन और सीनियर एक्ट्रेस संगीता घोष के साथ पूरा दिन बिताकर आपने इस अभिनेत्री की रियल लाइफ के बारे में काफी कुछ जाना होगा, और यही दिखाने की कोशिश की सास बहू और बेटिया ने अपने इस डे आउट में। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।